विमेन्स पिस्टल शूटिंग में भारत की पहली वर्ल्ड चैंपियन, ISSF वर्ल्ड कप की यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल गेम्स 2017 में एक साथ 9 गोल्ड मेडल्स, यंग इंडिया की इंस्पिरेशन और ओलंपिक्स में टीम इंडिया की मजबूत दावेदार। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को अपना लक्ष्य मान चुकी है मनु भाकर। हरियाणा के गांव गोरिया में जन्मी मनु ने जब स्कूल की शूटिंग रेंज में अपना पहला कदम रखा तो उसके एक ही साल बाद ही अपने अद्भुत प्रदर्शन से सुर्खियों में छा गई। I was really taken when I got to know that I was the youngest Indian to win a ISSF World Cup gold medal. और 2019 में आयोजित चारों वर्ल्ड कप्स के मिक्स्ड इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ गोल्ड जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी अपनी दावेदारी पक्की कर ली। To win the Olympic gold medal, I've been working really hard for the past 5 years now, and it has always been my dream. The government has been very helping, very helpful throughout my shooting years. Whenever we need any equipments or training purposes के लिए ammunition या फिर pistols or anything, everything is being settled by the government. मनु जैसी खिलाड़ी जब जब वर्ल्ड मैप पर देश का नाम ऊंचा करती है तब तब भारत की करोड़ों बेटियों को उम्मीद भी देती है और बन जाती है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।